देखिए, सिर्फ एलन मस्क ही मोदी के फैन नहीं है। दुनिया के मशहूर स्पेस साइंटिस्ट और राइटर नील डिग्रासे टायसन ने मोदी से मुलाकात के बाद जो कहा, उसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। नील डिग्रासे ने कहा कि मोदी के लिए आसमान की कोई सीमा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, फॉर हूम द स्काई इज नॉट द लिमिट। प्राइम मिनिस्टर मोदी, फॉर हूम द स्काई इज नॉट द लिमिट। प्राइम मिनिस्टर मोदी, फॉर हूम द स्काई इज नॉट द लिमिट। प्राइम मिनिस्टर मोदी, फॉर हूम द स्काई इज नॉट द लिमिट। आई वाज डिलाइटेड to spend time in the company of a head of state who is as scientifically thoughtful as is Prime Minister Modi. All of the challenges we have in civilization, the solutions are going to come from innovations in science and technology and engineering and math. And it's very clear to me that he cares about all of this. So I was delighted to hear about future programs that he has in mind, the potential for what India can accomplish knows no limits. So I see a very bright future for India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 17 घंटों से अमेरिका में हैं। रात तकरीबन 10 बजे जब वो अमेरिका पहुंचे तो उनका ग्रैंड वेलकम हुआ और एयरपोर्ट से लेकर होटल तक मोदी मोदी के नारे लगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जब होटल के अंदर घुसे तो बड़ी तादाद में वहां मुस्लिम समाज के लोग भी थे, जो मोदी की एक झलक पाने के लिए बेचैन थे। मोदी को देखते ही ये लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने लगे। जिस जगह पर मोदी मोदी के नारे लगे वहां इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर भी थे। उनकी एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर आज न्यूयॉर्क पहुंचे। पीएम मोदी की यह पहली राजकीय यात्रा है अमेरिका की, मतलब ये कि पीएम मोदी अमेरिका के राजकीय मेहमान हैं। पीएम मोदी जब एयरपोर्ट पहुंचे तब या फिर जब न्यूयॉर्क में होटल पहुंचे, हर जगह NRI लोगों का एक बड़ा जमावड़ा था पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए। पीएम मोदी होटल गए, उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि होटल के बाहर बहुत सारे लोग कई घंटों से खड़े हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं। ऐसे में पीएम मोदी होटल से बाहर निकले, सबके बीच आकर मिले, कई लोगों से सेकेंड किया, कुछ को ऑटोग्राफ दिए। कुल मिलाकर एक बेहद लुभावनी सी तस्वीर दिखी उन लोगों के लिए जो कि पीएम मोदी के इंतज़ार में खड़े थे। और जब उन्होंने देखा कि होटल से पैदल चलते हुए पीएम मोदी उनके बीच पहुंचे हैं तो उन लोगों के भी उत्साह का ठिकाना नहीं था। उसके बाद पीएम मोदी ने अमेरिका के कई बड़े CEOs के साथ मुलाकात की, न सिर्फ CEOs बल्कि कुछ सोशल इन्फ्लुएंसर के साथ भी। पीएम मोदी हमेशा ये करते हैं कि जब भी किसी देश में वो जाते हैं तो सरकारी बैठकों के अलावा ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो कि उस देश के समाज पर बड़ा प्रभाव डालते हों। और उसी सिलसिले में आज अमेरिकी लोगों के साथ भी पीएम मोदी की लंबी बैठकें चली हैं, जिसमें पीएम ने उन्हें बताया कि भारत क्या कुछ कर रहा है, उन लोगों से जाना कि भारत के बारे में वो नज़रिया क्या रखते हैं और क्या कुछ अपेक्षाएं करते हैं। कैमरा पर्सन जहान शर्मा के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया TV, न्यूयॉर्क। इंडिया TV हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।